हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माँ लक्ष्मी। मैं हूँ अनुभा और आज है बुधवार की सुबह। सुबह से पूजा करके तुलसी माँ को जल चढ़ा के मैं आ गई किचन में और सबसे पहले मैंने आके किया कूलर चालू, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे गर्मी। हालांकि आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो मैं तो 10-5 मिनट पहले तो आज बालकनी में खड़ी रही, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि सुबह सुबह कितना उठ जाती हूँ जल्दी, पर बालकनी में खड़े होने का टाइम नहीं मिलता। तो सुबह सुबह थोड़ी ठंडक ली, ठंडी हवा चल रही थी। फिर इसके बाद घर के काम निपटाए, किचन के करे और ये कुछ कपड़े लगा दिए थे डोरमेट्स वगैरह रात को साफ़ होने के लिए, तो सुबह सुबह मैंने इनको सूखने के लिए डाल दिया। तो ये झाड़ू वगैरह जब तक लगती है जब तक के टाइम तक ये सूख जाएंगे। और जो पूंछे मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ तो उनको भी मैं मशीन में डाल देती हूँ। तो डोरमेट्स मेरे 2 दिन में तो लगते ही, दो दिन पूरे होने के बाद 3rd डे लग जाते हैं धुलने के लिए। फिर किचन में आके करने लगी भाई मैं नाश्ते की तैयारी। आज नाश्ते में बना रहे थे अपन बेसन का डोसा, तो इसके लिए मैंने एक बोल में 2.5 चम्मच करीब बेसन ले लिया। इस चम्मच का साइज बड़ा है तो इतना बेसन हम 4 जने के लिए हो जाएगा। इसमें डाली हल्दी, थोड़ा सा नमक और पानी मिलाया। सो पानी जब भी मिलाएं तो थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं, एकदम से ज़्यादा मिला देंगे तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा फ्लोइंग हो जाती है। अब एक विस्कर की हेल्प से अच्छे से इसको हमने फेंट लिया और ये देखिए इस कंसिस्टेंसी का हमें रखना है। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा। सो आप इसकी जगह इनो भी ऐड कर सकते हैं सोडे की जगह। मैंने सोडा ऐड करके अच्छे से फिर से विस्कर की हेल्प से मिला लिया। तवा रखा गर्म होने के लिए, अपना नया वाला तवा, और जब अच्छे से तवा गर्म हो गया तो मैंने इसमें जो बैटर है उसको फैलाया और एक राउंड शेप की चम्मच से अच्छे से फैल जाता है। थोड़ा सा नीचे से ये सिक गया तो मैंने इसमें ऐड किया घी और टमाटर एकदम बारीक कटे हुए, प्याज और थोड़ी सी मिलाई। फिर इसके बाद धनिया की पत्ती और अभी मैं मिलाने जा रही हूँ पनीर। सो पनीर इसलिए थोड़ा हेल्दी हो जाएगा और रखा भी था इसी बहाने पनीर यूज़ हो गया। ज़रा सी मिलाई कश्मीरी लाल मिर्च और चाट मसाला, मीवी के मैं लाल मिर्च वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। और अब एक मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर दिया जिससे चारों तरफ फैल जाए। तो जब आपका चीला या डोसा जो हो जाएगा तो ये अपने आप साइड इसके किनारे छोड़ने लगेगा। तो मैंने अच्छे से इसे फोल्ड कर दिया डोसे की तरह और ये तैयार है खाने के लिए। अब इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे हम लोग। फिर बाकी के डोसे भी मुझे सेकने थे। सो फ्रेंड्स, बाकी भी मैंने ऐसे कर करके सारे डोसे सेक लिए और घर वालों को दे दिया। अब हम कर रहे हैं खाने की तैयारी। सो खाने में बन रही है आज प्याज और आलू के पकौड़े की कढ़ी, बट थोड़ा अलग टाइप से। तो इसके लिए अब मैंने आलू को ग्रेट कर लिया और प्याज का ऊपर वाला पार्ट निकाल देना जिससे प्याज के ये स्लाइस अच्छे से निकल आए। मिर्च को काटा, मिर्च थोड़ा बड़ी बड़ी काट रही हूँ मैं। और ये आप ये रेसिपी में अगर आप आलू को एकदम पतला पतला लंबा लंबा रखेंगे तो आलू का टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा, आलू क्रिस्प हो जाएगा। अब इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया आलू प्याज को और एक दूसरे बोल में ट्रांसफ़र किया पानी निकलने के बाद। अब ऐड कर रहे हैं हम आलू प्याज में नमक। नमक इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि आप अच्छे से नमक मिला के रख देंगे 5 मिनट के लिए तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि प्याज पानी छोड़ देगा। बेसन मिलाया, बेसन मिलाने के बाद मैंने मिलाई धनिया पत्ती और आप देख सकते हैं कि मैंने एडिशनल पानी ऐड नहीं किया। तो इसके बाद ये बिल्कुल बन गया है बैटर पकौड़े का, बहुत बढ़िया। और देखिए बाइंडिंग होने लगी है। ऑयल गर्म करके, अच्छे से ऑयल गर्म करना है, मैंने कम ऑयल गर्म करा था और डाल दिए थे। और फिर हालाँकि 1 मिनट बाद हो ही गया था गर्म ऑयल। और पकौड़े तोड़ के डालना है और धीमी आँच पर पकौड़े को मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेना जिससे एकदम क्रिस्प हो जाएंगे। सारे पकौड़े सेक लेना इसी तरीके से। और मैंने कुछ पकौड़े 4-5 मम्मी पापा को खाने के लिए भी दे दिए थे। मैंने कहा कि ऐसे रोज़ तो पकौड़े बनाती नहीं हूँ, तो मैंने कहा ठीक है मम्मी पापा भी खा लेंगे। और फिर इसके बाद भाई मैंने मिर्च सेकी क्योंकि कढ़ी के साथ सब लोग मिर्च खाते हैं, थोड़े से राइस के पापड़ खाते हैं, खींचला बोलते हैं उसको हमारे यहाँ। सो वो रखे थे 2 साल पुराने तो मैंने वो सेके। और मीवी के लिए थोड़े से फ्राइम्स 2-4 सेके। तो ये भजिए मैं मम्मी पापा को देने ही जा रही थी, सब निकाल लिया, फिर वापस सारा सामान रख दिया। अब कढ़ी के लिए बनाया बैटर। सो एक बोल में डाला मैंने एकदम खट्टा दही और इसमें 2.5 चम्मच करीब बेसन, हल्दी
और नमक। आज मैं बिल्कुल चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च और धनिया कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बहुत सिंपल लेकिन बहुत टेस्टी कढ़ी बना रही हूँ। कोई एडिशनल मसाला, काली वाली मिर्च कुछ नहीं डाल रही हूँ। कभी कभी ना हर चीज़ को खाने का वो रहता है कि कभी मन होता है कभी ऐसा खाएंगे कभी वैसा खाएंगे, तो वैसा खाना बना रही हूँ मैं, तो बहुत सिंपल सा बना रही हूँ मैं। और ये देखिए दही थोड़ा सा बचा था डिब्बे में तो मैंने उसको निकाल लिया, कुछ भी वेस्ट कुछ भी नहीं करना होता है। ऑयल डाला पैन में, जीरा और थोड़ी सी राई, मेथी दाना और थोड़े से बारीक कटे लहसुन और करी पत्ता। अगर मेथी दाना नहीं है तो आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और मैंने डाली इसमें हींग, हींग इसलिए जिससे क्या बादी थोड़ा कम करता है खट्टापन, दही खट्टा होता है इसलिए, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब मैंने पूरा बैटर डाल दिया कढ़ी का, लेकिन जितना मैंने बैटर डाला उससे 3 गुना मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। सो कढ़ी में पानी का रेशियो और कढ़ी को पकाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ मैंने राइस भी वॉश कर लिया क्योंकि कढ़ी है तो चावल तो बनेंगे ही, और मीवी के लिए आज दाल नहीं बनी थी तो फिर मैंने दाल दलिया फुला के रख दिया था थोड़ा सा, तो फिर मीवी के लिए एक बार दाल दलिया बनाया। और जब तक हमारी कढ़ी में भी उबाल आने लगा था साथ साथ आटा गूँथ के, थोड़ी सी रोटी सेकनी थी, 6-7 ही रोटी सेकनी थी तो मैंने सेक ली, क्योंकि मम्मी ज़्यादा राइस नहीं खाती तो उनको रोटी मैंडेटरी है कि उनको चाहिए ही चाहिए रहती है। सो मैंने रोटी सेकी और साइड में एक साइड राइस पक रहे थे, एक साइड कढ़ी पक रही थी और एक साइड में रोटी सेकती जा रही थी। तो ये देखिए कढ़ी हमारी लगभग 50% पक चुकी है और मैंने इसे पकने दिया, मेन काम कढ़ी में पकने का ही होता है। सो मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करते रहे, मैं चढ़ा देती हूँ साथ साथ काम करती रहती, बीच बीच में चलाती रहती हूँ। अब कढ़ी हमारी हो गई थी, लगभग पक ही गई थी, तो मैंने इसमें पकौड़े ऐड करे, धनिया की पत्ती ऐड करी, 5 मिनट और पकाया और कढ़ी है हमारी तैयार खाने के लिए। सो मैंने गैस को कर दिया बंद और थोड़ा सा दही बचा लिया था मैंने जमाने के लिए। सो इस वाले ये वाले बर्नी में मैं थोड़ा सा दही डाल के गुनगुना दूध डाल के मिक्स कर दो और रख दो, दही बढ़िया जम जाता है। और ये देखिए कढ़ी एकदम पक चुकी है, अब इसे हम निकाल के सर्व करेंगे। तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो गरम गरम भी ऐसी खा लेती हूँ, मुझे सिंपल कढ़ी भी बहुत अच्छी लगती है। फिर देखा तो दीदी नहीं आई थी आज, उनका फ़ोन आया तो अब फिर झाड़ू लगनी थी, सो पूरे घर की झाड़ू पोछा करा। ये करते हुए मुझे 12:30 बज गया, मीवी का टाइम लेट हो गया सारा, मीवी को सुलाने का, खिलाने पिलाने का। फिर पोछा तो मैंने खाली भगवान के कमरे का, हॉल का, किचन का लगाया, बाकी का इसके बाद। फ्रेंड्स हो गई शाम और मैं लगाने लगी आलू अपने फेस पर, तो इसका इफ़ेक्ट दिख रहा है। सारे फेस को अच्छे से ठंडा पानी से क्लीन करने के बाद मैं आ गई किचन में, किचन में शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। और आज खाने में बननी थी गिलकी की सब्ज़ी और लौकी, साथ साथ कुछ फ्रूट्स और सब्जियां भी कट करनी थी। सो अब मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।